सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईवी इंडिया एक न्यू स्टार्टअप है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। उसने अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की सबसे अहम खासियत कि इसमें 120 किलोमीटर की रेंज दी गई है और काफ़ी सारे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माता कंपनी ईवी इंडिया ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में नया मॉडल सोल लॉन्च किया है। न्यू दिल्ली में मंगलवार को इस मॉडल को लॉन्च किया गया। अब हम आपको इस वीडियो में इस स्कूटर के बारे में बताएंगे, इसके फीचर्स और इसके प्राइस के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ईवी इंडिया ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में नया मॉडल सोल लॉन्च किया है। इस स्कूटर को एक बार फुल चार्ज करने पर इससे 120 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया जा सकता है। ये स्कूटर 3 से 4 घंटे में 100% चार्ज हो जाता है और इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। और इस स्कूटर की प्राइस 1,39,000 ऑन रोड रखी गई है। कंपनी का कहना है कि इंडिया में पहली बार उच्च श्रेणी की यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए स्कूटर लॉन्च किए जा रहे हैं। इससे जहां ड्राइविंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वहीं इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने देश के भविष्य को ध्यान में रखकर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री की है और इस व्हीकल्स को खरीदने के बाद आपकी जेब पर भी कम असर पड़ेगा। ईवी इंडिया की लॉन्चिंग पर कंपनी के को फाउंडर हर्षवर्धन डिडवानिया ने कहा कि ईवी इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहा है। इससे देश को एयर पॉल्यूशन से उभरने वाली चुनौतियों और समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। फ्यूचर के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और स्थिर ऊर्जा संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए हम इको फ्रेंडली स्कूटर को लॉन्च कर रहे हैं। ये ई स्कूटर बेहतरीन स्थिर सॉल्यूशंस से लैस हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए मॉडर्न ई स्कूटर हाई स्पीड और स्टाइलिश हैं। इन्हें बिना किसी परेशानी के ड्राइव किया जा सकता है। इससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी होगी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का बोझ करने में मदद मिलेगी। डिडवानिया ने कहा कि इस समय दुनिया भर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदलाव के दौर से गुजर रही है। सभी लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया में भी इस दिशा में दुनिया की रफ्तार से कदम मिलाना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में टू व्हीलर से आने जाने के साधनों में बदलाव के ट्रेंड पर विचार करते हुए ईवी इंडिया का लक्ष्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की क्रांति में अपनी ओर से योगदान देना है। ईवी इंडिया ने इलेक्ट्रिक इंडिया के हाई स्पीड टू व्हीलर्स प्रोडक्ट के लिए रिसर्च, डिजाइन, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और पार्टनरशिप में करीब 80 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पाद में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ईवी सोल की फीचर्स की बात करें तो इस नए स्कूटर की खासियतों के बारे में बताया कंपनी ने कि सोल एक फुली लोडेड IoT से लेस हाई स्पीड स्कूटर है। इसके अदर फीचर्स में एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम, GPS नेविगेशन, USB पोर्ट एंड कीलेस एक्सपीरियंस, रिवर्स मोड, सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम, जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। इस व्हीकल्स पर 3 साल की वारंटी दी गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर एडवांस्ड लिथियम फेरस फॉस्फेट यानी LFP बैटरी से लैस है, जिन्हें बदला जा सकता है और अलग भी किया जा सकता है। इन स्कूटर्स को 3 से 4 घंटे में 100% चार्ज किया जा सकता है और इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एक बार फुल चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। कंपनी ने सबसे पहले 2027 तक 20 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ईवी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 100 एकड़ क्षेत्र में फैली है। इसके निर्माण में मॉडर्न यूरोपियन और इको फ्रेंडली टेक्निक अपनाई जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में निर्माण, परीक्षण, व्हीकल की असेंबलिंग और लाइन टेस्टिंग के लिए एकीकृत इकोसिस्टम अपनाया जाता है। ईवी इंडिया भारत ग्रुप का हिस्सा है, जो मोबाइल और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में 80 साल की विरासत को समेटे हुए है। इसकी लॉन्चिंग 2019 में की गई थी। ईवी इंडिया हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे प्रमुख और सबसे तेजी से आगे बढ़ते ई स्कूटर के तौर पर उभरा है। कंपनी ने 20 राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
कंपनी का 100 डीलर्स और 50 सब डीलर से ज्यादा का नेटवर्क है। ईवी इंडिया की सबसे बड़ी ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओडिशा के भुवनेश्वर में है, जिसमें करीब 2000 लोग काम करते हैं। कंपनी फ्यूचर में पॉल्यूशन से मुक्त मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। तो ये स्कूटर लॉन्च हुआ है, प्राइसिंग 1,39,000 यानी 1,46,000 मान के चलिए ऑन रोड प्राइस है ये। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।